आते हैं, छाछ दही, इन पर भी टैक्स लग गया। किसी ने भी आटे पर टैक्स नहीं लगाया। आप लोगों लोगों का आटा छीन रहे हो, रोटी छीन रहे हो। अब तक तो आप हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा कर महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते थे, और आप इसमें बहुत हद तक जब कामयाब नहीं हुए तो आपने एक नया काम शुरू कर दिया। तिरंगा हमारा धर्म है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, पूरी दुनिया जानती है। भारत में तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बात कांग्रेस शुरू से कहती आई है। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में नारा दे रही है, उसको पार्टी ने पॉलिटिकलाइज कर दिया बीजेपी ने, कि हम घर हर घर पे तिरंगा लगाएंगे। हर घर पे तिरंगा लगता है, आप अभियान चलाकर लगा रहे हो, क्योंकि आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हो। तिरंगे की आड़ में बीजेपी अपने पाप नहीं छुपा सकती। तिरंगे को आगे कर बीजेपी ये कह रही है, महंगाई की बात मत करो, बेरोजगारी की बात मत करो, भूख से मर रहे हो तो मरो। आटे दाल और चावल पर टैक्स लगाने के बाद जो देश में आंदोलन खड़ा हुआ जनता को लगा कि ये जब आटा ही छीनने लग गई बीजेपी, तो ये किसी की सगी नहीं है। 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, 3 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा। एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है और पेट्रोल डीजल यहाँ पर महंगा हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब क्रूड ऑयल महंगा था तब पेट्रोल डीजल सस्ता था। जब जब मोदी सरकार से बीजेपी से हिसाब मांगा जाएगा तब नया एक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आएंगे। तिरंगा हमारी आन बान और शान है, इसके लिए पूरा देश हम जान दे सकते हैं। इस तिरंगे को लेकर कांग्रेस के सिपाहियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, उस दिन सब जगह तिरंगा लहराया जाता है। अब बीजेपी इसको अपनी पार्टी के लेवल पे जाके जगह जगह झंडा लगाएगी, तो हर आदमी झंडा लगाता है। अब आप फ्री में झंडा बांट रहे हो, ये तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन भाई साहब तिरंगे की आड़ में आप देश में जो आप असफल हुए, आपने आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, छाछ दही पर टैक्स लगा दिया, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक पेट भरने के लिए दौड़ता है, एक पेट कम करने के लिए दौड़ता है। 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीद कर शाम को अपने बच्चों का पेट भरते हैं, 50 करोड़ लोग रोज आटा खरीदते हैं वो। आपने तो उस आटे पर भी टैक्स लगा दिया, इसलिए ये आप नाटक जो कर रहे हो सारा, इसमें आपको ना तिरंगे से प्यार है ना देश से प्यार है। आपको तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाना है। 15 अगस्त को आन बान शान से कांग्रेस का हर सिपाही, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, देश का नागरिक झंडा लगाता है, लगाएगा। लेकिन बीजेपी अपनी असफलताओं से, महंगाई बेरोजगारी से, आटे पर टैक्स लगाने से ध्यान हटाने के लिए ये नाटक कर रही है, और देश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हर मुद्दे पर बीजेपी राजनीति करके और लोगों की जबान पर ताला लगाना चाहती है। भाई साहब सिर्फ राजनीति नहीं चाहिए, हर घर पे तिरंगा लगा रहे हो तो हर घर पे आटा भी तो भेजो बिना टैक्स का। आज घोषणा करे बीजेपी कि 15 अगस्त के दिन आटे दाल चावल पर जो इन्होंने टैक्स लगाया वो वापस ले लेंगे। वापस लेना चाहिए टैक्स आपको, 15 अगस्त आ रही है, आपको यदि तिरंगे से इतना ही प्यार है तो तिरंगा हमारे हाथ में है, तो हमारे हाथ में है तो तिरंगा भी सुरक्षित है, हम खुद भी सुरक्षित हैं, तो तिरंगे के लिए तो जान दे देंगे, लेकिन तिरंगे की आड़ में बीजेपी वाले अपने पाप छुपाने की कोशिश मत करो।